हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत। और इन स्रोतों को हमने दो भागों में बांटा है, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत को पुनः हमने दो भागों में बांटा था। पिछली वीडियोस में हम बहुत अच्छे से इसको डिस्क्राइब कर चुके हैं, धार्मिक साहित्य और धर्मनिरपेक्ष साहित्य। फिर धार्मिक साहित्य को हमने पुनः दो भागों में बांटा था, ब्राह्मण ग्रंथ जिसमें वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, वेदांग, महाकाव्य और पुराण। उसके बाद में ब्राह्मण ग्रंथ साहित्य के अलावा बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य, ये तीनों करने के बाद में हमारा धार्मिक साहित्य पूरा हो जाएगा। और उसके बाद हम आएंगे अधार्मिक साहित्य पे। अब बात आती है अब्राह्मण ग्रंथ में। अब्राह्मण ग्रंथ में हम पढ़ेंगे जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य। सबसे पहले बात करूंगा मैं बौद्ध साहित्य की। तो गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध ने जो जो प्रवचन दिए, उनके बाद से जो नया पंथ धर्म प्रारंभ हुआ, उसे हम बौद्ध धर्म कहते हैं। और बौद्ध धर्म का जो साहित्य था वो बौद्ध साहित्य कहलाता है। अब बौद्ध साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण साहित्य जो था वो था आपके पिटक साहित्य। पिटक तीन थे जिन्हें अपन त्रिपिटक कहते हैं। पिटक का मतलब होता है टोकरी। उन टोकरी के अंदर जो साहित्य रखा जाता था और उसके बाद में उनको संकलित किया गया, तो उसे पिटक का साहित्य कहा गया। चूंकि तीन थे इसलिए इसे त्रिपिटक कहते हैं। और यह संपूर्ण साहित्य जो था त्रिपिटक साहित्य, यह साहित्य आपके लिखा गया, वो लिखा गया पाली भाषा में। पाली भाषा में त्रिपिटक लिखे गए। ये तीन पिटक थे। सबसे पहला था सुत पिटक। सुत पिटक के अंदर विद्यार्थियों जो बातें लिखी गई है वो है महात्मा बुद्ध के प्रवचन। महात्मा बुद्ध के जितने भी प्रवचन थे वो सारे के सारे सुत पिटक में लिखे गए। इस सुत पिटक को पुनः पांच भागों में बांटा गया है। हम इसका डिटेल में आगे वर्णन करेंगे बौद्ध धर्म के अंदर। और पांच भाग कौन से? दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। इस खुद्दक निकाय के अंदर आगे जाएंगे तब और डिटेल में पढ़ेंगे। इन सभी निकायों में महात्मा बुद्ध से संबंधित जो प्रवचन थे वो लिखे गए हैं। दूसरा जो पिटक है सुत पिटक के अलावा वो है आपके विनय पिटक। विनय पिटक में क्या है? विनय पिटक के अंदर जो बौद्ध संघ थे, बौद्ध मठ बने हुए थे, उन सारे मठों के बारे में जो नियमावली थी, कौन कौन से अपराध होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, इनसे कैसे मुक्ति पाई जा सकती है, तो उन मठों से संबंधित जो नियमावली थी वो लिखी गई थी हमारे किसमें? विनय पिटक के अंदर। और तीसरा था अभिधम पिटक। अभिधम पिटक के अंदर हमारे जो उपनिषदों में जो बातें लिखी गई थी, गूढ़ दार्शनिक बातें, वैसिक वैसी रहस्यवादी गूढ़ दार्शनिक बातें बौद्ध धर्म के अंदर किसमें लिखी गई है? अभिधम पिटक में। तो कुल मिला के पिटक साहित्य तीन पिटक है हमारे पास में। और इन तीनों पिटकों से हमें बौद्ध धर्म की संपूर्ण प्रकार की जानकारी जो है वो प्राप्त होती है। इस पिटक साहित्य के अलावा भी बहुत सारे किताबें हैं, जैसे जातक ग्रंथ। अब चूंकि जातक ग्रंथ भी एक प्रकार से इस पिटक साहित्य का भाग है, सुत पिटक का ही भाग माना जाता है, लेकिन उसको अलग से पढ़ा जाता है। अब जातक ग्रंथ क्या है? जातक ग्रंथ के अंदर महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की जो कथाएं हैं उनका संकलन किया गया है। और इनकी कुल संख्या 549 बताई गई है टोटल। तो 549 जातक है जिसमें महात्मा बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानियां हैं। आपने स्टूडेंट अगर पढ़ा हो अजंता की गुफाएं पढ़ी हो तो वहां आपने पढ़ा होगा कि इसमें जातक कथाओं का चित्रांकन हुआ है। तो जातक कथाओं में ये एक है दीप वंश और महावंश। ये दो पाली भाषा के एक प्रकार से महाकाव्य है। ये दीप वंश और महावंश जो है ये हमारे सिंहली अनुश्रुतियां भी कहलाती है, क्योंकि श्रीलंका से प्राप्त हुई थी। इनमें भी हमें विभिन्न प्रकार की धार्मिक जानकारियों के साथ साथ इसमें मौर्य साम्राज्य के इतिहास की जानकारी भी हमारे को प्राप्त होती है। एक पाली भाषा का अन्य और ग्रंथ भी है जिसे कहते हैं मिलिंद पन्हो। इसमें मिलिंद का तात्पर्य है यूनानी शासक मेनेंडर से, तथा उसमें मेनेंडर को बाद में मिलिंद कहा गया है। इस पुस्तक के अंदर बौद्ध भिक्षु नागसेन के उत्तर और मिनांडर के प्रश्नों का जो वार्तालाप था वो पूरा का पूरा मिलिंद पन्हों में लिखा गया है। इसके साथ साथ इसमें विदेशी व्यापार का भी वर्णन किया गया है। 75 प्रकार की व्यापारिक श्रेणियों का जिक्र भी मिलिंद पन्हों में हमें प्राप्त होता है।
इसके अलावा तीन और किताबें भी हैं बौद्ध साहित्य में मुख्य रूप से। एक आती है दिव्यावदान, जो कि संस्कृत भाषा में लिखी गई है। एक आती है मौर्य मंजुश्री मूल कल्प, ये भी संस्कृत भाषा का एक ग्रंथ है। और एक ललित विस्तार। तो इस प्रकार से ये सारा का सारा साहित्य जो है ये बौद्ध साहित्य कहलाता है। इसका डिटेल से वर्णन जो है वो हम करेंगे बौद्ध धर्म के अंदर। उसके बाद आता है जैन ग्रंथ। जैन साहित्य को भी हम अब्राह्मण साहित्य में रखते हैं। ये भी पूर्ण रूप से धार्मिक ग्रंथ है। जैन ग्रंथों में जैसा बौद्ध धर्म में पिटक साहित्य का योगदान था, वैसा का वैसा जैन साहित्य में आगम साहित्य का वैसा का वैसा योगदान है। आगम साहित्य जो है वो कुल पहले 14 उपांग हुआ करते थे, सॉरी 14 अंग थे, उनमें से आगम साहित्य लिखा गया। टोटल जो आगम थे वो 12 आगम थे। वो आपके भद्रबाहु चरित, जो भद्रबाहु जो थे उनको भी याद थे ये। इसके अलावा बहुत कम लोग थे जिनको ऐसा याद था। तो ये साहित्य जो आगम साहित्य, इसको प्राकृत भाषा में लिखा गया था, मतलब यूं कह सकते हैं कि स्थानीय भाषाओं में लिखा गया था, ताकि सामान्य जनता भी उसको आसानी से समझ सकती है। तो जैन साहित्य में आगम साहित्य के अलावा भद्रबाहु चरित जो है मुख्य ग्रंथ रहा है, परिशिष्ट पर्व रहा है मुख्य रूप से। इसके अलावा भगवती सूत्र, कालिका पुराण, ऐसी बहुत सारी और भी किताबें जो है वो जैन साहित्य की मुख्य रूप से रही है, जिनको हम जैन धर्म के अंदर आगे डिटेल से पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट, ऐसे ही साथ बने रहना। और अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे धर्मेतर साहित्य कौन सा है, धर्म के इतर जो साहित्य था उसकी बात हम अगले लेक्चर में करेंगे।